लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जितने भी सांसद थे, नेता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने अपना भाषण दिया, उनके अभिवादन। लेकिन सबसे पहले भाषण नेता प्रतिपक्ष की हुई राहुल गांधी की। राहुल गांधी के भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके जवाब देने के लिए सदन में थे और लोकसभा में उन्होंने राहुल गांधी को जवाब दिया। लेकिन इस दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसकी चर्चा खूब होने लगी। चर्चा ये थी कि राहुल गांधी के स्पीच के दौरान जैसे विपक्ष के तमाम नेता मौजूद थे और वहां पर सत्ता पक्ष के नेता हंगामा कर रहे थे, ठीक वैसा ही जब नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तो फिर विपक्ष के तमाम नेता, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मणिपुर मणिपुर के नारे लगा रहे थे। लेकिन अब जो हाल में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें ये पता चला, जो आप ये तस्वीर देखेंगे इस सीसीटीवी फुटेज में, आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होगी, इसमें आपको देखें कि राहुल गांधी सदन में खड़े हैं और वेल में इंडिया गठबंधन के सारे नेता आ जाते हैं। एक एक कर राहुल गांधी नेताओं को नीचे वेल में जाने के लिए कहते हैं। इसी दौरान की जो तस्वीर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेताओं को ग्लास में पानी दे रहे थे पीने के लिए और नेता हंगामा कर रहे थे। मतलब विपक्ष के नेता हंगामा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें पानी दे रहे हैं। लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज में यह सामने आया कि राहुल गांधी अपने इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को वेल में जाने के लिए कहा और फिर वहां जाकर नारेबाजी हुई। सबसे पहले जो वेल में गए नेता वो मणिपुर के सांसद हैं, नव निर्वाचित सांसद हैं। हाल ही में मणिपुर में कांग्रेस ने दोनों सीटें जीती हैं, दो लोकसभा की सीट है और दोनों सीटें कांग्रेस ने वहां पर जीती। सबसे पहले मणिपुर के ही सांसद वेल में पहुंचे और उसके बाद राहुल गांधी के एक इशारे पर वेल में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता आ जाते हैं और इसी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, कांग्रेस की तरफ से शेयर की जाती है और फिर लिखा जाता है कि राहुल के एक इशारे पर सदन में सभी के सभी नेता वेल में आ गए। सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर बयान भी दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है बयान में, पहले वो भी बयान सुन लीजिए। असलियत तो यह है कि मणिपुर 1 साल 3 महीने से जल रहा है। असलियत यह भी है कि मणिपुर में जो विवाद है वो दो समुदायों के बीच में है। दो सांसद वहां के उन दो समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक सांसद बोल चुके थे, एक बोलना चाहते थे, यही विपक्ष की समूची मांग थी और समूचा विपक्ष उन सांसद के साथ खड़ा था और बिल्कुल वेल में आकर नारेबाजी की जा रही थी, मणिपुर को न्याय दो क्योंकि यही लोकतंत्र है एंड डिसरप्शन इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपके नेता अरुण जेटली ने कहा है जिनको आप भूल चुके हैं पर हम नहीं भूले हैं। अगर सोती हुई सरकार को जगाना, नारे लगाना लोकतंत्र नहीं है तो लोकतंत्र क्या है? और इसीलिए बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ देना, मणिपुर एक बार ना जाना, मणिपुर की समस्या का समाधान ना ढूंढना, जो सरकार अपना विश्वास खो चुकी है मणिपुर पे उसको बरकरार रखना, यह मर्यादा का उल्लंघन है। और अगर लोकतंत्र को बचाने के लिए, विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए हमें बार बार नारे लगाने पड़े, बार बार वेल में आना पड़ा, बार बार मणिपुर को न्याय दो कहना पड़ा तो हम कहेंगे क्योंकि यही लोकतंत्र है और यही मर्यादा है। 10 साल से तानाशाही करते करते आप ये भूल गए कि अब सदन की तस्वीर और सदन की तासीर बदल चुकी है। अब राहुल गांधी के एक इशारे पर तमाम नेताओं के आने की खूब चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया से लेकर फेसबुक पे भी ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं, साथ में कांग्रेस भी ये कह रही है कि राहुल एक ऐसे नेता प्रतिपक्ष हैं जिनके एक इशारे पर अखिलेश यादव की यानी समाजवादी पार्टी समेत एनसीपी कांग्रेस के तमाम नेता वेल में जाकर और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान जो बातें कही गई थी उसके खिलाफ बयानबाजी हो रही है। अब आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के ने जो हिंदू पर बयान दिया था, हिंदू समाज मतलब बीजेपी मतलब पूरे हिंदू समाज नहीं, आरएसएस मतलब पूरा हिंदू समाज नहीं, और इसी को लेकर नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के बयान पर खड़े भी हुए थे, उन पर आरोप लगाया था कि हिंदू समाज को अपमानित किया जा रहा है। और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने जब भाषण दिया तो उन्होंने भी हंगामे के साथ ये जवाब दिया कि नहीं, हिंदू मतलब पूरा आरएसएस बीजेपी समाज नहीं है, और इसी को वायरल भी किया जा रहा है। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी झूठे एजेंडे फैला रही है और यही आरोप बीजेपी की तरफ से भी लगाया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी के एक इशारे वाले वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। कांग्रेस समेत तमाम उनके यूजर्स और कांग्रेस के समर्थक सब
शेयर कर रहे हैं और राहुल गांधी पे बब्बर शेर भी लिख रहे हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।